महिलाएं, अरे चाचा क्या कर रहे हैं? पटना जंक्शन तक जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे खड़ी है। रंगदे बसंती, बाबा खेसारी लाल। बेतिया रेलवे स्टेशन शौचालय, इतना लंबा लाइन और मुझे जितना बेतिया में रास्ता बढ़िया मिल जाता है भैया, कोई नहीं मिलेगा सस्ता रास्ता। और फाइनली इस सेंटर की हाल आप देख सकते हैं, बच्चे कैसे जिधर तिधर पड़े हुए हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन में। यहाँ पर टिकट के लिए लाइन लगा हुआ हूँ और टिकट देखिए किस तरीके से मिल रहा है। एक टिकट काउंटर से लगभग 4 लाइनें यहां पर देख पा रहे होंगे आप, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। भीड़ के कारण मैं बता दूँ आपको कि बेतिया में एग्ज़ाम होने वाली है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके लिए अभिभावक अपने अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं बेतिया, और यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम क्रैश हो चुकी है और ट्रेन में अब पता नहीं कितना ज़्यादा भीड़ होगी, ये तो बता नहीं सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो इस ब्लॉग में और चलते हैं पटना टू बेतिया और देखते हैं क्या माहौल रहता है और कैसे हम लोग पहुँचते हैं। पीछे चलो, कहाँ जाना है? तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेतिया रेलवे स्टेशन और रात्रि का माहौल है। देखिए गाइस कितना रात हो चुका है यहाँ पर और सारे बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आया है बच्चों को और बसते जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये सभी जा रहे हैं अपने अपने सेंटर को देखने के लिए, वहाँ पर होटल में खाने पीने के लिए। तो मैं वापस से स्टेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आज की रात गुजारनी है, तो हम लोग खा रहे हैं और खा कर यहीं सोना है हम लोगों को। भाई तो सुबह हो चुका है और कितना लंबा लाइन है रेलवे बाथरूम के लिए आप देख सकते हैं, और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लास्ट वाली पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत भीड़ है भाई, तो वेट कर रहे हैं अपनी अपनी और मैं भी। तो फाइनली गाइस स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेतिया रेलवे स्टेशन, और ये हमारा प्यारा सा तिरंगा झंडा, और तिरंगे झंडे का हालत देखिए कितना दयनीय स्थिति में है। आई थिंक अब इसे निकाल देना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में अपना झंडा को दिखाना अच्छी नहीं है। तो देख लीजिए हम लोग अब चल रहे हैं अपने सेंटर की ओर, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन ये रहा और यहाँ पर एक मंदिर भी है। और ये देखिए गाइस मोटरसाइकिल की पार्किंग, कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिल है गाइस। और इसी के साथ अब सफ़र की शुरू करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दया को जो स्टील का प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग अब चौक पे पहुँच चुके हैं और रंग दे बसंती खेसारी भाई का अपना मूवी है, तो कौन कौन खेसारी लाल के फैन है कमेंट कीजिए। हम लोग ढूंढ रहे हैं बहुत देर से बाथरूम प्राइवेट, और फाइनली हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला और जेंट्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ महिला स्नानागार देख सकते हैं, और इस तरफ पुरुषों के लिए है। फिलहाल तो यहाँ पर केवल पुरुषें ही दिख रही हैं, सॉरी दिख रहे हैं जो यहाँ पर बच्चों के साथ आए हुए हैं, जो भी अभिभावक उन सारे को देख सकते हैं आप। और ये चाचा देखिए महिलाएँ की तरफ से निकल रहे हैं। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से फ्रेश होने के बाद बाहर की ओर और देखते हैं नाश्ता वास्ता करने की व्यवस्था। जितना बेतिया में नाश्ता बढ़िया मिल जाता है भैया, कोई नहीं मिलेगा सस्ता नाश्ता। हाँ लेकिन तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम लोग सेंटर पे आ चुके हैं, और सेंटर पे आप देख सकते हैं अभिभावक और बच्चे किस तरीके से पूरे सेंटर के आजू बाजू में भरे पड़े हैं। और यहाँ पर आप सेंटर को देख सकते हैं जो महंत राम रूप गोस्वामी महाविद्यालय है, और ये बेतिया में है, और इस तरफ भी वही नाम की बोर्ड दिख रहा है। तो हम लोग अंदर चलेंगे कि दोनों तरफ में कॉलेज कौन है जिसमें सेंटर पर आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों के साथ जिधर तिधर लेटे हुए हैं घासों पर, और यही फील्ड है गोस्वामी जी का जहाँ पर सभी अभिभावक रुके हुए हैं। और इसके जस्ट सामने जो आपने देखा
वो सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली है, जो एग्ज़ाम हॉल है। तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी देखेंगे और बच्चों को जाते आते भी देखेंगे क्या कुछ होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम समाप्त करेंगे और देख सकते हैं आज है संत कबीर दास की जयंती और यहाँ पर बहुत सारे लोग संत जी का यहाँ स्टैचू है तो पूजा करने आए थे। तो देख सकते हैं बच्चे अब अपने एडमिट कार्ड के साथ अंदर जा रहे हैं और हम लोग वेट करेंगे। चलिए, तो दोस्तों फाइनली बच्चे निकल रहे हैं और यहाँ से बहुत लोग तो गाड़ी से अब जा भी रहे हैं। देख लीजिए बच्चों के हाथ में एडमिट कार्ड है। तो दोस्तों अगर आपके भी दोस्त यार भाई बहन किसी ने एग्ज़ाम दिया तो कैसा एग्ज़ाम गया ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।